कोरोना वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के बीच आज से प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया है। इस मॉडिफाइड लॉकडाउन से किस तरह की रियायतें दी गई हैं, और हमारे साथ हैं CS DB गुप्ता जी, चीफ सेक्रेटरी साहब। सर, मॉडिफाइड लॉकडाउन आज से प्रदेश में लागू हो गया है, किस तरह की रिलैक्सेशन आज से प्रदेश की जनता को दी गई? मॉडिफाइड लॉकडाउन जो है वो आज से शुरू होते हो करके और 3 मई तक के लिए दिया गया है। और पहला तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो भी छूट दी गई हैं ये किसी भी हॉटस्पॉट के लिए जहाँ कर्फ्यू है वहाँ लागू नहीं होगी, पहला राइडर तो ये है। दूसरा, जो जहाँ पर लागू होंगी इन हॉटस्पॉट्स को छोड़ करके, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह की और अन्य जो बंदिशें हैं उनके साथ लागू होंगी। अब यहाँ पर बात आती है, पहला तो मैं इस सेक्टर को थोड़ा सा इस तरह से करना चाहूँगा कि रूरल एरिया, जो भी हमारा राजस्थान का कंप्लीट ग्रामीण क्षेत्र है, उसको पूरी तरह से खोला गया है। वहाँ पर क्योंकि हमारे पास कोई पॉजिटिव केसेस नहीं है, लेकिन अभी तक जो संपूर्ण लॉकडाउन था उसमें ग्रामीण क्षेत्र में भी पूरी तरह से बंदिशें हो गई थी, तो इसलिए ये कोशिश की गई है कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़, वहाँ का कृषि का और दूसरा मूवमेंट भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह का शुरू हो जाए। नरेगा के लेबर आज से लगाई जा सकती, नरेगा के काम अनुमत कर दिए गए हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर अलाउ कर दी गई हैं, लेकिन इतनी शर्त रखी गई है कि उनकी लेबर शहर से आवागमन नहीं कर सकेगी, लेकिन शहर में एक बार अगर उनको ज़रूरत है तो वो पास बनवा करके उस श्रमिक जो भी वर्ग है उसको रूरल एरिया में ले जा सकते हैं, लेकिन फिर उसको वहीं रखना होगा। तो एक बार का जो ट्रांसपोर्टेशन का पास होगा, लेकिन बार बार आने की सुविधा, मतलब उस तरह की सुविधा नहीं होगी, उनको ग्रामीण क्षेत्र में ही रह के काम करना होगा। जहाँ तक अब बात आती है शहरी क्षेत्र की, तो उसमें रिको का एरिया है, SEZ एरिया है, EPIP एरिया है, इन सबको खोला तो गया है लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में, क्योंकि अभी बहुत केसेस शहर में हैं और हम नहीं चाहते कि इतने दिन की जो कठिनाइयां हैं, तपस्या है, उस पर एक साथ केयरलेसनेस की वजह से पानी फिर जाए। तो इसलिए ये रखा गया है कि वही वन टाइम पास, जिसके अंदर वो हमारे को बताएंगे कि ये कौन कौन सी लेबर है, उस लेबर को एक डेडिकेटेड वाहन में जिसका पास होगा उसी में ले जा सकते हैं, और उसको फैक्ट्री कैंपस में ही या फैक्ट्री के बिल्कुल साथ लगे कैंपस में रखना होगा। दूर आने जाने की किसी प्रकार की परमिशन नहीं होगी। इन शर्तों के साथ इसको खोला गया। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत रखी गई हैं, लेकिन जो प्रशासन सरकारी कार्यालय हैं वो भी आज से शुरू हो गए हैं। एक तिहाई जो कार्मिक हैं उनको बुलाने की व्यवस्था रखी गई थी, लेकिन सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया। क्या इससे संक्रमण फैलने का डर था या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाता? शुरू में डिसीजन ये लिया गया था कि जो भी सरकारी कार्यालय हैं उनको खोला जाए, जैसे सेक्रेटेरिएट की बात करें तो समस्त जो सचिव हैं उनको आना कंपलसरी था, सचिव में मतलब अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव सब शामिल हैं, और उसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबव, ये तो कंपलसरी था और वो आज भी आज से लागू हो गया है। एक ही चीज़ में हमने क्लॉज को पहले जो रखा था जिसको बाद में विड्रॉ किया गया, वो ये था कि डिप्टी सेक्रेटरी से नीचे का जो स्टाफ है 1/3, वो 1/3 स्टाफ तक सीमित रखते हुए उनको बुलाया जा सकेगा। लेकिन उसमें अभी जयपुर में जो हालात हैं और कई शहरों में जो हालात हैं उसमें ये उचित समझा गया कि सीधा फर्स्ट राउंड में अभी नहीं उसको रखा जाए, उसको ग्रेजुअली हम इस एक वीक में देखेंगे क्या स्थिति बनती है, और डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह जो बहुत ही आवश्यक स्टाफ होगा उसको वो ला सकेंगे, लेकिन अभी 1/3 स्टाफ वाली बंदिश, वो जो प्रावधान है वो अभी लागू नहीं होगी। अगले वीक से हो सकता है कि उस 1/3 से शुरू करें और आगे भी सब स्थिति ठीक चलती है तो 3 मई के बाद पूरी तरह से ऑफिस खोलने की स्थिति आ जाए। कोरोना की बात की जाए तो राज्य सरकार ने बेहतर प्रयास किए, भीलवाड़ा में जिस तरह का मॉडल उभर कर आया पूरे देश में उसकी सराहना हुई, उसके बाद जयपुर में जो प्रयास किए गए, जयपुर में भी आज काफ़ी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आज कितनी रिपोर्ट पेंडिंग है कोरोना को लेकर और क्या प्रयास आगे किए जाए? देखिए, जहाँ तक बात आपने पेंडेंसी की कही है, एक इसका बहुत बड़ा कारण है, राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य है जो कि पूरे कंट्री में हाईएस्ट टेस्टिंग हमने की है और प्रोएक्टिव होके की है। अब प्रोएक्टिव टेस्टिंग में अगर हज़ारों की टेस्टिंग करेंगे तो हमारी कैपेसिटी जो बहुत ही शुरुआती दौर में नहीं के बराबर थी
पहला सैंपल हमने पूना भेजा था, वो इटली के दंपत्ति का। वहाँ से शुरू करते हुए आज हमारे पास कई सारी लैब्स फंक्शनल हो गई हैं, और जो हमारी पूरे राज्य में जो कैपेसिटी है करीब 3,000 टेस्ट करने की वर्तमान में है, और आगे जाके इसको 10,000 तक बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। लेकिन 3,000 पूरे राज्य में है, और यहाँ पर करीब 2,000 के आसपास एसएमएस में है। एसएमएस में खाली जयपुर ही नहीं, आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके सैंपल भी आते हैं। अब अगर हम बहुत बड़ा सैंपल जैसे हमने रामगंज में किया, तो वो इतना सैंपल का लोड आ जाने से उसमें बैकलॉग हो गया, और करीब 5,000 का बैकलॉग हमारे पास था परसों तक। तो एक हमने स्पेशल डिसीजन लिया जिसके अंदर डॉक्टर लाल की जो क्लिनिक है फेमस दिल्ली में, उनसे बातचीत करके हमने करीब 3,500 प्लस सैंपल वहाँ भेजे हैं, जिनकी आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। और ज़रूरत पड़ने पर अगर बैकलॉग वापस होता है तो हमने उनसे बातचीत कर रखी है। उनकी कैपेसिटी जो है 5,000 की है दिल्ली की लैब की, जिसमें से दिल्ली सरकार 2,000 की कैपेसिटी को यूज़ कर रही है। तो हमारे पास 3,000 की विंडो जो वहाँ पर है वो हमने रेट फिक्स उनसे कर ली है, और उसके आधार पर हम जब भी ज़रूरत होगी, बैकलॉग हम नहीं होने देना चाहते, क्योंकि एक तो यह है कि 48 घंटे में जहाँ तक है रिपोर्ट आ जाए, जिससे जब हम प्रोएक्टिव अप्रोच कर रहे हैं तो जो आदमी पॉजिटिव है उसका जितना जल्दी पता चलेगा उतना ही जल्दी हम उसको प्रभावी कदम उठा पाएंगे आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो अगर वो 8-10 दिन पड़ा रह जाता है तो एक तो सैंपल ख़राब होने का डर रहता है, दूसरा यह है कि हमको उसको डीप फ्रीज़र में रखना पड़ता है, उसका खर्चा आता है, और तीसरा हमको कंट्रोल करने में उतना ही डिले होता है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हमने बाहर से ये टेस्टिंग का राजस्थान ऐसा स्टेट बन गया सबसे अधिक जांचें की गई। एक रैपिड किट राजस्थान में आ चुके हैं, कितनी स्क्रीनिंग रैपिड टेस्ट के माध्यम से की गई है, और पर्टिकुलर जयपुर की बात करें तो जयपुर में अभी तक कितनी रैपिड टेस्ट के माध्यम से जांच। कल की जो सूचना थी उसके आधार पर करीब 1,500 प्लस जाँचें हो चुकी थी। अब वो कितनी प्रभावी हैं इसके ऊपर एक एक्सपर्ट जो हमारा पैनल बना हुआ है आज बातचीत कर रहा है, और उसमें क्योंकि जो जांचों में पॉजिटिव केसेस हैं वो बहुत ही कम आ रहे हैं, मात्र 1,500 में से 5-6 केसेस पॉजिटिव आए हैं, तो उसकी एफिकेसी कितनी है। फिर उसमें वो एंटीबॉडी टेस्ट है, तो शुरू के 7 दिन तक एंटीबॉडी जब तक डेवलप नहीं होते तो रैपिड टेस्ट उसका रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो हम उसको उसके 7-8 दिन जब वो संक्रमित हो चुका है उसके बाद लेते हैं, तभी वो प्रभावी है, ये बात सामने क्लियर है। लेकिन उसके बाद भी जो ये टेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि इससे एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आना चाहिए। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी से मतलब है कि जो 1,500 में से 5 पॉजिटिव आए तो 1,495 लोगों को ये हो गया हम तो ठीक हैं, अब हो सकता है कि वो थोड़े दिन बाद फिर पॉजिटिव आ जाएं, लेकिन उनमें एक भावना आ जाएगी वो बिल्कुल ठीक है, और वो कहीं लोगों से मिले जुले तो दिक्कतें होंगी। तो अब क्या इस रैपिड टेस्ट को फाइनल एक टेस्ट की तरह से माना जाए, ये तो पक्का है कि रैपिड टेस्ट में जो पॉजिटिव आएंगे उनको हमको पीसीआर टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कन्फर्मेटरी टेस्ट खाली पीसीआर टेस्ट है, तो उसको देखते हुए ये रखा जा रहा है। लेकिन एक रैपिड टेस्ट का जो मुख्य यूज़ हमने माना था कि जो संक्रमित एरिया है जैसे यहाँ जयपुर में रामगंज, तो उससे आसपास के कॉलोनीज़ में उनमें टेस्ट करके देख लें कि उसका फैलाव कहीं आसपास में तो नहीं हुआ। लकीली अभी तक ज़्यादातर रिजल्ट उसमें तो नेगेटिव आ रहे सर, क्या माना जाए अभी आपने कहा बहुत कम रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है जयपुर में, तो काफी स्थिति नियंत्रण में मानी जाए। अगर रैपिड टेस्ट वाला ही पैमाना है तब तो अभी इसका फैलाव बाहर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कारण क्या है कि जब हमने सख्ती की और पूरी तरह से उसको ब्लॉक किया था रामगंज को, उससे पहले जो उनके कांटेक्ट में लोग आए होंगे वो 14 दिन तक पॉजिटिव रिजल्ट बाहर दे सकते हैं। तो इक्का दुक्का रोज केस बाहर के निकल के आ रहे हैं, लेकिन उनका ट्रेसिंग जब करते हैं तो वो वहां से ही होती है। राजस्थान के 26 डिस्ट्रिक्टों में संक्रमण फैल चुका है, मुख्यमंत्री ने स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए निर्णय लिया कि राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना की लैब खोली जाएगी, तो अभी तक कितने स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में लैब हैं और वो काम कर रही हैं। देखिए अभी तो 6 जो डिविजनल हेडक्वार्टर हैं उनमें है भरतपुर को छोड़ करके, और 6 के अलावा भीलवाड़ा में अब कल से लैब शुरू हो गई है, और झालावाड़ में एक लैब है। तो ये हैं अभी अजमेर और कोटा के अंदर हमने उनको स्ट्रेंथन किया है लैब्स को, और जितने भी नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, दो तरह से हैं मेडिकल कॉलेज, एक तो 13-14 मेडिकल कॉलेजेस की स्वीकृति पहले हो गई थी, उनमें प्रिंसिपल भी लग गए, स्टाफ भी लग गया है, वहाँ पर हम कर रहे हैं। अब जो 10 हमारे बाद में हमारे सेंक्शन हुए हैं मेडिकल कॉलेजेस, उनका भी जैसे जैसे स्थापना हो रही है कर रहे हैं,
लेकिन अभी ज़्यादातर तो हम जो पुरानी डिविजनल हेडक्वार्टर वाली लैब्स हैं उनके माध्यम से ही ये टेस्टिंग का काम कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आई तो जो प्रवासी राजस्थानी हैं या बाहर के जो राजस्थान में रहते हैं उनको, जो कोटा में छात्र हैं, यूपी के छात्रों को बसों के द्वारा वापस भेजा गया, यूपी सरकार की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से पहल की गई। क्या राजस्थान सरकार भी जो बाहर राजस्थान के छात्र हैं, राजस्थान के मजदूर हैं जो दूसरे स्टेट्स में, उनको लाने की कोई पहल करेगी? नोडल ऑफिसर हालांकि आपने नियुक्त किए हैं, लेकिन आगे कोई प्रोसेस अभी? देखिए, जो यूपी वाली बात है कोटा के स्टूडेंट्स की, कोटा में करीब करीब जो हमने ऑनलाइन सारी सूचनाएं प्राप्त की हैं उसके हिसाब से 35-36 हज़ार, पहले 25 हज़ार का नंबर बताया गया था, लेकिन जब हमने ऑनलाइन सूचना एकत्रित की हैं तो करीब 35 हज़ार बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। उसमें से करीब 12 हज़ार प्लस बच्चे, 12,600 प्लस बच्चे यूपी के निकले हैं, यूपी और उत्तराखंड। तो यूपी गवर्नमेंट ने इसके अंदर ये रखा कि हम बसें भेज करके और उन बच्चों को बुलाना चाहेंगे। अभी इंटर स्टेट मूवमेंट पूरी तरह से भारत सरकार ने, एमएचए ने बंद करा हुआ है, और ये हमारी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की वीसी में लगातार ये मुद्दा उठाया है कि जो माइग्रेटरी लेबर कैंपों में बैठी है वो डेस्परेट है अपने अपने स्टेट्स में जाने में, तो एक कुछ दिन दे करके इसको अलाउ कर दिया जाए। लेकिन वो अभी उस पर बंदिश ही है और उसको अलाउ नहीं किया गया। लेकिन इस कोटा वाले केस में एमएचए ने परमिशन दी और एमएचए की परमिशन के आधार पर करीब 300 बसें यहाँ पर आईं आगरा और झांसी डिपो की, और यूपी के बच्चों को लेके चली गई हैं। इसी तर्ज पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और गुजरात, इन सरकारों ने भी अपना मंतव्य बताया है। और अगर कल से 21 तारीख के बाद से उन्होंने भी बस भेजने की बात कही, उनका नंबर छोटा है लेकिन अगर वो सब भी भेजते हैं तो हमारा काफ़ी बड़ा आधा नंबर तो उससे निकल जाएगा। अब यूपी के बाद सबसे बड़ा नंबर आता है बिहार के बच्चों का। बिहार ने इसका अभी तक विरोध किया है और वो बसें भेजने को तैयार नहीं है। ऐसे करीब 8-1 हज़ार बच्चे बिहार के भी हैं, तो वो हैं, प्लस छुटपुट छुटपुट और थोड़े स्टेट्स के हैं, तो वो इतने कम हैं कि उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मांग यूपी और बिहार के बच्चों की थी। तो एक यूपी की सुलझी है, कुछ स्टेट्स की और सुलझ जाएगी, लेकिन हमारी पॉलिसी यही है कि जो भी राज्य सरकार अगर इसमें पहल करके अपनी बसें भेजेगी हम उसका स्वागत करेंगे। हम उनके बच्चों को भेजने में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूरी तरह से मदद करेंगे और एमएचए को बीच में रख करके उनको सूचित करके इस कार्य को करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हुआ और मॉडिफाइड के तहत राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन के मद्देनज़र ये संकल्प लिया कि कोई भी नागरिक राजस्थान में भूखा नहीं सोएगा, चाहे राजस्थान का हो, मजदूर वर्ग का हो, या फिर दूसरे स्टेट का नागरिक हो। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि राशन वितरण में भी काफ़ी अनियमितताएँ सामने आई, विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि राशन वितरण में भी राजनीति हो रही है। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जहाँ तक राज्य प्रशासन का नियत है और उसका कोशिश है, वो किसी प्रकार की इसमें राजनीति की बात नहीं है, ना हो सकती है, क्योंकि ये कठिन घड़ी है। इस समय हम एक मजबूर आदमी के साथ राजनीति नहीं खेल सकते। अगर जो कर रहे हैं किसी भी पार्टी के हों वो गलत चीज़ है और उससे भावनाएं भड़कती हैं, आहत होती हैं और अनावश्यक हमारे लिए भी परेशानी खड़ी होती है। जहाँ तक पीडीएस का बात है, पीडीएस की सारी शॉप्स खुली हैं, उसके अंदर 10 किलो का राशन, 5 किलो का गेहूं प्रति व्यक्ति राज्य सरकार की तरफ से, जो पहले 1 रुपये में एनएफएसए परिवार को दिया जाता था वो फ्री दिया जा रहा है। 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति भारत सरकार की तरफ से इसके लिए प्रावधान कर दिया गया है, तो 10 किलो के हिसाब से हम दे रहे हैं। अप्रैल का लगभग सारा, जो मार्च का अप्रैल के अंदर उठाव चलता रहा, मार्च का तो पूरा गेहूं उठ चुका है, अप्रैल का हमारी तरफ से उठाव होकर के और पीडीएस शॉप्स पे चला गया है और वहाँ से अब उसको बांटना जारी है। समस्या है थोड़ी बहुत, वो है कर्फ्यू एरिया की, क्योंकि कर्फ्यू एरियाज में आटा चक्कियाँ बंद हैं, तो गेहूं का वो करेंगे क्या, क्योंकि आटा चक्की अगर पीसने के लिए है ही नहीं गेहूं, तो उसका गेहूं का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। तो वहाँ हमने स्ट्रेटेजी को थोड़ा बदला है और वहाँ पर आटा चक्कियों को के बंद होने की वजह से आटे की डिलीवरी उतनी ही जितना गेहूं है वो रखी है और उसको होम डिलीवरी का प्रावधान किया है। तो अब गाड़ियाँ लेकर के डोर टू डोर जा करके होम डिलीवरी कर रही हैं,
और अन्य आवश्यक सामान जैसे दाल मसाले तेल वगैरह और पिसा हुआ आटा, इस सब की होम डिलीवरी की जा रही है। सर, मॉडिफाइड लॉकडाउन आज से लागू हो गया, अगर सक्सेस रहता है तो अगले वीक से क्या और सरकार की ओर से रिलैक्सेशन प्रदेश की जनता को मिलेगा? ये तो डायनेमिक प्रोसेस है। ये बात सही है कि एक ओवरऑल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस होंगे, क्योंकि हमको उससे बाहर जाने की अनुमति नहीं है, उसके भीतर रहते हुए अपने कार्य योजना बनाने की बात है, तो वही हम कर रहे हैं। रोज़ाना शाम को सीएम साहब के लेवल पर इसकी पूरा रिव्यू होता है, रोज़ हम नए डिसीजन लेते हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं, फीडबैक मिलता है, उसके आधार पर लेते हैं। तो ये तो कंटिन्यूस चलने वाला डायनेमिक प्रोसेस रहेगा, और कई बार कोई कदम हम लेते हैं उसके अच्छे परिणाम नहीं होते तो उस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है, और कुछ चीज़ की मांग और आती है कि इसकी अभी कमी खल रही है तो हम उसको उस तरह से और भी अनुमत करेंगे। जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात है, वहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि अगले वीक में हम फर्दर अगर इसके रिजल्ट ठीक रहते हैं तो आगे भी लोगों को अनुमति और दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेज बेसिकली फैसिलिटेटर का काम करते हैं आम पब्लिक का। तो हम चाहेंगे कि आम जनता को जितना जल्दी वो नॉर्मल दिनचर्या उनकी लौट सके, उसकी हमारी एक ईमानदार कोशिश है। सर, रेवेन्यू की बात करें तो लॉकडाउन के मद्देनज़र रेवेन्यू की एक बड़ी जो कमी आई है सरकार को, जो रेवेन्यू है बिल्कुल डाउन आ गया है, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, तो केंद्र सरकार से मांग भी की है मुख्यमंत्री ने कि स्पेशल पैकेज की घोषणा की जाए। कितना रेवेन्यू डेफिशिएंसी बात करें, रेवेन्यू जनरेट की बात करें, कितना नुकसान रहा सरकार? इसके अंदर देखिए दो चीज़ हैं। पहला तो ओवरऑल इकोनॉमिक रिसेशन था, और उस रिसेशन की वजह से करीब हमारा जो हमने अपना प्रावधान रेवेन्यू का रखा था उससे लगभग 17,500 करोड़ रुपया कम राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। लेकिन ये सारा कोरोना के माथे नहीं डाला जा सकता। इसमें से 3,500 करोड़ जो कि हम अंतिम फोर्टनाइट में एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी 15 से 31 मार्च के बीच, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमेशा उसी समय आता है, उसमें 3,500 करोड़ की कमी रही। तो वो 3,500 करोड़ का हिट हम काफ़ी कुछ कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से हुआ। अब हमारी एक और तो रेवेन्यू कम हुआ, दूसरी तरफ हमको ये सारे इंतजाम जो करने पड़े हैं, चाहे वो PDS का राशन हो, चाहे गरीबों की पेंशन हो, चाहे क्वारंटाइन कैंप्स हों, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चे हों, तो ये सारे बड़े हैं जिसका एक मोटा मोटा आकलन 3,500 करोड़ का इमीडिएटली आया है। तो एक और तो रेवेन्यू कम हुई है, दूसरी ओर खर्चा बढ़ा है। अब यही ट्रेंड हमारा अप्रैल के अंदर चल रहा है, अप्रैल में रेवेन्यू फिर बहुत नीचे चल रही है। तो इस समय बहुत आवश्यक है कि केंद्र सरकार राज्यों की मदद के लिए आगे आए, और जितनी चीज़ें डेफर हो सकती हैं विदाउट इंटरेस्ट उतना मोरेटोरियम देते हुए आगे, जैसे देनदारियां हैं PFC की है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, RBI की देनदारियां हैं, उन सबको स्थगित किया जाए और उस पीरियड का इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाए, और फिर जितना भी हमको कोई ग्रांट वगैरह हर एक राज्य सरकार को जो फॉर्मूले के हिसाब से बनती है वो अभी एडवांस में दिए जाएं, ताकि धीरे धीरे राज्य सरकारें अपने पैरों पे खड़े होकर के ये लगातार इस विभीषिका से जूझ भी सकें, और दूसरे लोगों को भी, अपने जो जनता है उनको भी मदद के लिए आगे आ सकें। DB गुप्ता जिन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए सरकार की ओर से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया। रूरल एरियाज में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत पूरी राहत दी गई है, साथ ही अर्बन एरियाज में जहां पर हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहां पर रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, लेकिन जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें अगर मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सफल रहा तो अगले हफ्ता फिर कुछ राहत दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV।